नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो ज़मीन लेकर आ गए हैं उस ज़मीन के बारे में हम आपको पूरी डिटेल आज देने वाले हैं और ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर भी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप लोगों को सबसे पहले इसकी जानकारी की ज़रूरत होगी, फिर उसके बाद हम ज़मीन के मालिक का मोबाइल नंबर देंगे और ज़मीन के मालिक से आप बात कब कर सकते हो ये भी बताएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि यह वीडियो कहाँ का है और किसका वीडियो है और यह ज़मीन कहाँ पर है। तो दोस्तों, यह जो आप लोग ज़मीन देख रहे हो ये 310 एकड़ ज़मीन है। जी हाँ दोस्तों, यह 310 एकड़ ज़मीन है और इसकी कीमत भी बहुत कम है। तो इसकी कीमत आपको वीडियो के बीच में ही पता चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तभी इस ज़मीन को खरीद पाएंगे, क्योंकि इस ज़मीन की पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। और दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। तो इसकी लोकेशन जो है चूरू जिला है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जिला है चूरू है और इसकी तहसील जो है तारा नगर तहसील है। और इसकी अगर हम गांव की बात करें तो ये पाठक का पूरा गांव है। जी हाँ दोस्तों, पाठक का पूरा ये गांव है। और दोस्तों, इस ज़मीन के मालिक की अगर नाम की बात की जाए तो उमेश पाठक इनका नाम है। तो ये जाति से पाठक हैं, तो ये सामान्य जाति में आते हैं दोस्तों। तो इनकी कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, क्योंकि ये सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, और यहाँ पर होने वाली फसल की बात अगर करें तो आप लोग को या सरसों का पेड़ दिखाई जो दे रहा है, गेहूँ वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि कितनी उपजाऊ मिट्टी में यह ज़मीन होगी। और दोस्तों, सड़क के किनारे ही यह ज़मीन है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ सिंचाई के साधन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, हम आपको सिंचाई का साधन यहाँ पर ज़मीन के मालिक ने दो मुझे बताया है। तो आप दोनों में से एक तो हमेशा सिंचाई एक से कर सकते हैं, एक से समय आने पर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो सिंचाई का साधन है जो आप कभी कभी कर सकते हो वो नहर का साधन है। तो यहाँ पर नहर है जो कि कभी कभी आती रहती है, तो नहर से भी सिंचाई आप लोग कर सकते हो। और नहर दोस्तों यहाँ से खेत से लगभग 500 मीटर दूर पर है। तो जो छोटी नारी नाली बनी हुई है उसी से आप लोग सिंचाई कर सकते हो। और दूसरी दोस्तों, यहाँ पर समरसेबुल है जो कि लाइट जब आएगी तभी आप लोग सिंचाई कर सकते हो। वैसे लगभग में तो इसमें जब लाइट तो डेली आती है, तो डेली आप सिंचाई इसमें कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर और कुछ खंड इसका बाकी भी है जो कि अभी कुछ बोया नहीं गया है इसमें। तो यहाँ पर ये पाठक के पुरवा के गांव के जो हैं, हालांकि ये ज़मीन के मालिक ने यहाँ पर ऊपरी वगैरह नहीं पाता है, उनके आस पड़ोस के लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो वो थोड़ा सम्मानित आदमी हैं, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है इनको। ये लोग पास रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप लोग अगर यूज कर रहे हो तो यूज करो। और दोस्तों, जब आप लोग ख़रीद लोगे तो यहाँ पर कोई आपसे आपका ज़मीन यूज नहीं करेगा, क्योंकि आप इसको घेरबंदी करा दोगे तो यहाँ पर कोई यूज नहीं करेगा। और दोस्तों, सड़क यहाँ पर दो तरफ से है, आप लोग देख रहे हो। एक तो ये हो गई और दूसरी जो मैंने पहली दिखाया था। तो दो तरफ से यहाँ पर सड़क है, दोनों तरफ से आप लोग आना जाना कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों स्कूल वगैरह नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पर स्कूल खुलवाना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर लगभग 400-500 लड़के बच्चे यहाँ पर 2-4-10 गांव में मिल जाएंगे, जो कि पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाते हैं। तो वो लोग अगर आप लोग यहाँ पर स्कूल वगैरह खुलवा देते हो तो जो आदमी दूर जाते हैं पढ़ने के लिए उनको जाना नहीं पड़ेगा, वो पास में गांव में ही पढ़ेंगे।
और कोशिश तो यही रहेगी कि हम किसी बिजनेसमैन आदमी को ही यह ज़मीन दिलवाएं। और दोस्तों, अगर आप लोग खेती के लिए ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर बिजनेस के लिए ले रहे हो तो स्कूल खुलवाना आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल कोई नहीं है। तो आप लोग अगर स्कूल खुलवा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और हमारी ज़मीन जो दिलाने में मदद होगी। आप मुझे बोलिएगा, मैं पूरी मदद करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिजनेस के माध्यम से ले रहे हो तो सिर्फ स्कूल खुलवाना, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, तो उनके पास दोस्तों समय बहुत कम रहता है और बहुत लेट में पहुँचते भी हैं। तो स्कूल अगर आप लोग खुलवाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर हम वाटर लेवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वाटर लेवल जो है लगभग 70 फीट पर यहाँ पर समरसेबुल चल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर समरसेबुल अगर करवाना चाहते हैं तो 70 फुट पर यहाँ पर समरसेबुल करवा सकते हैं। और दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बिजली की है। तो यहाँ पर बिजली दोस्तों का अगर बिजली का खंभे गड़े हुए हैं तो आप लोग बिजली यहाँ पर आपको 20 घंटे मिल जाएंगी। तो बिजली के खंभे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तार वगैरह, तो 20 घंटे यहाँ पर बिजली आती रहती है, 20-22 घंटे। और ये कच्ची सड़क आई हुई है जो कि खड़ंजा बिछा हुआ है और यहाँ आम के पेड़ वगैरह सब लगे हुए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से तहसील की दूरी और ज़मीन का रेट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ से तहसील की दूरी लगभग 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ से सिटी की दूरी की अगर बात की जाए तो लगभग 4 किलोमीटर दूर है। तो और दोस्तों, इसकी ज़मीन की रेट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन के मालिक का कहना है। क्योंकि दोस्तों, यह 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसलिए दिया जा रहा है कि दोस्तों सिटी से थोड़ा दूर पर है। और दोस्तों, यहाँ पर एकड़ के भी हिसाब से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है और 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है और 1 बिस्वे में 1,385 स्क्वायर फीट होता है। तो अगर यह ज़मीन आप लेने के लिए सहमत हों तो हम आपको इसमें लिखाई का चार्ज के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखाई का चार्ज थोड़ा महंगा आपको पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लिखाई का चार्ज पड़ने वाला है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, यह बहुत सस्ती आपको ज़मीन पड़ेगी, लेकिन थोड़ा लिखाई का चार्ज महंगा पड़ेगा। तो उससे आप लोग घबराना मत, क्योंकि इससे सस्ती ज़मीन आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को सस्ती से सस्ती ज़मीन प्रोवाइड करवाएँ। तो चलिए दोस्तों, फिर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।